विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अंबेडकर की ओर से जय भीम नमो बुद्धाय। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में आप सभी लोग पूरा इतिहास जानते हैं। कई सारी किताबें बाबा साहब अंबेडकर जी के ऊपर लिखी गई है, कई सारी मूवीज बाबा साहब अंबेडकर जी के ऊपर बनाई गई है, लेकिन आज मैं आप लोगों को ऐसी कुछ बातें बताने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। और केवल यही नहीं, ये पूरी सीरीज चलेगी और इस सीरीज का मैंने नाम दिया है द अनटोल्ड अंबेडकर। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के बारे में जो बातें बताई नहीं गई है या जानबूझकर छुपाई गई है, ऐसे बातों को मैं इस सीरीज के सामने आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा इस सीरीज के माध्यम से। और ये अनटोल्ड अंबेडकर में जितनी भी बातें जो परिवार से प्राप्त हुई है, जो अध्ययन करके प्राप्त हुई है, जो तर्क करके प्राप्त हुई है, वो सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये अनटोल्ड अंबेडकर सीरीज चलाने के बाद मैं सोच रहा था कि ऐसी कौन सी वो बात है जो सबसे पहले बतानी चाहिए। कई सारी बातें हैं। बाबा साहब अंबेडकर जी का पहला बेटा गंगाधर जब बीमार पड़ गया, तब बाबा साहब और माता रमाई के बीच क्या करस्पॉन्डेंस हुआ, ये बहुत लोग नहीं जानते। वो बात बताऊं या राम जी और बाबा साहब यानी पिता और अपने बेटे के बीच जब बाबा साहब बड़ौदा सरकार की नौकरी करने के लिए जा रहे थे, तब उनमें जो द्वंद हुआ वो बात पहले बताऊं। ये मेरे दिमाग में कंफ्यूजन था कि कौन सी बात पहले बताऊं। तो मैंने सोचा कि बाबा साहब अंबेडकर जी के ऊपर ये सीरीज बनाई जा रही है और इसलिए सबसे पहली जानकारी अंबेडकर इस नाम की देनी चाहिए। बहुत लोगों को यही लगता है कि अंबेडकर ये जो नाम है, बाबा साहब अंबेडकर जी का जो सरनेम है, ये किसी ब्राह्मण शिक्षक ने दिया हुआ है। सारी किताबें तो यही कहता है कि बाबा साहब अंबेडकर जी का कोई शिक्षक था, उस शिक्षक का नाम अंबेडकर था, तो उसको इतनी दया आ गई कि वो उसने अपना नाम बाबा साहब को दे दिया और बाबा साहब ने फिर ये नाम पूरे विश्व में चमका दिया और ये नाम एक ब्राह्मण का है। तो मैं आज इसी तथ्य के ऊपर आप लोगों के सामने ये बात रखने के लिए आया हूं। क्या वाकई में बाबा साहब अंबेडकर जी स्कूल में पढ़ा करते थे? क्या वाकई में वहां पर कोई अंबेडकर नाम का गुरुजी, शिक्षक, टीचर, मुख्याध्यापक कोई था? मैंने मेरे फेसबुक पेज पे उस प्रताप सिंह हाई स्कूल की जो मुख्याध्यापकों की लिस्ट है, वो लिस्ट मैंने शेयर की है। मैं खुद सातारा में जाकर आया हूं और उस स्कूल को जब हमने भेंट दी, तब वहां पर पता चला कि वहां पर अंबेडकर नाम का कोई शिक्षक कभी अस्तित्व में था ही नहीं। बाबा साहब अंबेडकर जी को किसी ब्राह्मण शिक्षक ने अपना नाम नहीं दिया है। कोई अंबेडकर नाम का गुरुजी, कोई अंबेडकर नाम का शिक्षक उस प्रताप सिंह हाई स्कूल में नहीं था। ये आप वहां के रजिस्टर से चेक कर सकते हो। बाबा साहब बल्कि जिस साल में उस प्रताप सिंह हाई स्कूल में जब उन्होंने दाखिला लिया, तब वहां पर जोशी नाम का वो मुख्याध्यापक वहां पर कार्यरत थे। तो फिर ये अंबेडकर नाम आया कहां से? अंबेडकर नाम ये किसी ब्राह्मण ने नहीं दिया, ये बाबा साहब अंबेडकर जी के पिताजी सूबेदार मेजर रामजी मालोजी अंबेडकर, इनकी ये सोची समझी पहल थी। जब बाबा साहब के पिताजी अपने सारे परिवार को लेकर सातारा में शिफ्ट हो रहे थे, तब उन्होंने अपने गांव का नाम अपने साथ लगाने का निर्णय लिया। आज भी महाराष्ट्र के कोंकण में अंबड़वे नाम का एक छोटा सा कस्बा है, एक छोटा सा गांव है, वहां पर आज भी राम जी का घर है, वहां पर उस घर को स्मारक बनाया गया है। आज वहां के सारे लोग, वो गांव के लोग यही बात कहेंगे कि बाबा साहब अंबेडकर जी का जो नाम है वो किसी अंबेडकर गुरु जी का नहीं है, वो इस गांव का नाम है। उस गांव का नाम था अंबड़वे, आज भी वो गांव है, उस गांव का नाम है अंबड़वे। और जब राम जी बाबा वहां से नौकरी के लिए, कुछ व्यवसाय के लिए जब सातारा में गए, तो अपने बच्चों को अस्पृश्यता का जो
कलंक है, जो अस्पृश्यता का वार है, वो उनको ना झेलना पड़े, इसलिए रामजी बाबा ने अपना जो नाम है जिससे जाति का पता चलता है सकपाल, ये नाम ड्रॉप कर दिया, ये नाम छोड़ दिया और उस गांव का नाम बाबा साहब अंबेडकर जी को और अपने सभी परिवार के बच्चों को लगाना शुरू कर दिया और वो नाम था अंबडवेकर। अब अंबडवेकर ये नाम लिखने में और बोलने में ये सरल नहीं है और इसीलिए स्कूल के प्रशासन में जब अंबडवेकर ये नाम बताया गया तो स्कूल प्रशासन ने सिर्फ एक काम किया, उसको अंबडवेकर करने के बजाय अंबेडकर कर दिया और वही नाम बाबा साहब अंबेडकर जी को और रामजी अंबेडकर जी को, उनके सभी परिवार को ये नाम उस दिन से शुरू हो चुका है। ये किसी ब्राह्मण ने दिया हुआ नाम नहीं है, ये बाबा साहब अंबेडकर जी के पिता रामजी मालोजी अंबेडकर जी की ये सोची समझी पहल थी। बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ साथ उनके भाइयों को भी ये नाम मिला, उनके परिवार को ये नाम मिला। आज भी हम रामजी बाबा का उल्लेख रामजी सकपाल नहीं करते, रामजी अंबेडकर करते हैं। मैं जब लंदन में था तब शेखर बोधकर करके वहां पर एक एक्टिविस्ट है, उन्होंने मुझे राइटिंग एंड स्पीचेस की एक वॉल्यूम बताई जिसमें रामजी बाबा का उल्लेख रामजी अंबेडकर है और ये किताबें किसी लेखक या किसी एक्स वाई जेड ने नहीं लिखी हुई है, ये बाबा साहब की लिखी हुई किताब है जिसमें बाबा साहब अपने पिताजी का उल्लेख रामजी अंबेडकर करते हैं और इसको सर्टिफाई गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने किया हुआ है और इसलिए ये बात मैं आज द अनटोल्ड अंबेडकर में यहां से शुरुआत करता हूं कि बाबा साहब अंबेडकर जी को किसी ब्राह्मण ने अपना नाम नहीं दिया, ये बाबा साहब अंबेडकर जी के पिता सूबेदार मेजर रामजी अंबेडकर जी की ये सोची समझी पहल थी कि हमको ये जाति सूचक जो सरनेम है ये छोड़कर अपने गांव का जो नाम है वो लगाना चाहिए और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर जी के पिताजी ने अंबडवेकर ये नाम लगाया और ये अंबडवेकर से अंबेडकर हो गया। ये इतना सरल और सीधा है और इसलिए कोई ब्राह्मण ये दावा ना करें कि बाबा साहब अंबेडकर जी को उन्होंने अपना नाम दिया हुआ है। ये यहां से ये इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं और यहां से और अलग अलग इंफॉर्मेशन मैं आपको रोज अपने चैनल से दूंगा। आप इसी तरह से ये इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएं और ब्राह्मणों का षड्यंत्र पूरे विश्व में उजागर करें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।